सो वेलकम बैक एवरी वन टू पैशन स्टडीज माई नेम इज़ दीक्षांत शर्मा हम कंटिन्यू कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर फोर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी ये आपका सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट पार्ट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा so now we'll continue with the next topic that is land reforms now after independence india focused on agrarian sector and many land reforms were introduced so basically kya hua ki jab hame independence mili so india ne uske baad agrarian sector ke upar bhi focus kiya ab yahan agrarian se mera matlab hai agriculture के ऊपर ठीक है agricultural sector के ऊपर and उसी के चलते चलते क्या हुआ कि many land reforms बहुत ये land and in land को करने का मतलब ये था कि बहुत जगह आप देखेंगे ज्यादा लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड थी कईयों के पास कुछ भी लैंड नहीं थी एक अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का और इसी की वजह से क्या था कि हम बोल सकते हैं एक डिफरेंस था बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट क्योंकि जब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ज्यादा लैंड होगी और एक के पास कम होगी तो जो पुअर और रिच uh, के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता रहेगा तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये लैंड रिफॉर्म्स आए सो so, बिटवीन 1950 टू सेवेंटीज सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर पास नेशनल एंड स्टेट लेवल राइट नेशनल और स्टेट लेवल पे ये लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए अब रीजन क्या क्या थे तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर

जो कि एक ब्रिटिशर्स ने एक इफेक्ट डाल दिया था वो चेंज करके उसमें हम नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर और फ्लरिश कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को राइट सो इसलिए ये लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर टॉपिक है वो है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम अब जो जमींदारी सिस्टम थी उसको एबॉलिश किया गया उसको रिमूव किया गया एज जमींदारी सिस्टम वॉज एक्सप्लॉयटिव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस लैंड रिफॉर्म इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरीज स्टेट तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी जो इंटरमीडिएटरीज है मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था जो यहाँ पर एक मिडल मिडिल मैन के तौर पे काम करते थे बिटवीन फार्मर ठीक है एंड स्टेट स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट को रेफर किया है ठीक है तो पीच का जो काम करते थे उसको रिमूव करना था गवर्नमेंट चाहती थी एक डायरेक्ट रिलेशन बने बिटवीन फार्मर एंड स्टेट मतलब बिटवीन फार्मर एंड गवर्नमेंट के बीच में राइट सो so, इसीलिए ये जो आपके लॉस है रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस किए गए इट टू कवर द सुपीरियर राइट्स ऑफ जमींदार ओवर द लैंड और जो सुपीरियर राइट थे जमींदार को दिए गए थे वो भी वापस ले लिए गए ठीक है इट वीकन्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ जमींदार और जब एबोल्यूशन हुआ जमींदारी सिस्टम का तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अब जमीनदार की कोई एक वैल्यू नहीं रह इंपॉर्टेंस नहीं थी उनकी जो पार थी उनके पास वो खत्म हो चुकी थी फार्मर्स वो डायरेक्टली पे देयर टैक्स टू गवर्नमेंट अब बीच में उनको जमींदार से पूछने की परमिशन लेने की या फिर उनको टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं थी अब जो कल्टिवेटर्स थे फार्मर्स थे वो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट के साथ लिंक में थे और बीच में जो इंटरमीडिएटरी थे जो आपके ये जमींदार इनका कोई काम नहीं था अब राइट दिस प्रूव टू बी इफेक्टिव एंड स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ लैंड लॉर्ड्स एंड फार्मर्स और इससे हम बोल सकते हैं कि एक ये बहुत ही फ्रूटफुल चीज हुई बहुत ही इफेक्टिव चीज हुई एंड इससे जो फार्मर्स थे उनको बहुत बेनिफिट हुआ राइट अब कुछ शॉर्टकमिंगस भी थी कुछ नेगेटिव भी थे इस चीज़ के डीमेनिट्स जिसको हम बोलेंगे जमींदारी बॉल्यूशन डिड नॉट वाइप आउट लैंड लॉर्डिज्म अब बेसिकली क्या था कि जमींदारी तो खत्म होगी बट जो लैंड लॉर्डिज्म था ना जिसके पास ज्यादा लैंड है राइट जो लैंड लॉड मतलब अपने आप को बहुत अमीर समझता है बहुत लार्ज अमाउंट में लैंड है जिनके पास तो वो तो खत्म नहीं हुआ राइट एक टेनेंसी सिस्टम अभी भी था मतलब कि जो बेचारे जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी वो दोबारा टेनेंट्स के तौर पे उधार पे लैंड देते थे उस पर क्रॉप्स उगाते थे एंड देन वो शेयर करते थे आ, आ, लैंड लॉर्ड के साथ अपना जो उनका प्रोडक्शन हुई है क्रॉप प्रोडक्शन तो अभी भी वो सिस्टम था टेनेंसी सिस्टम शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो देयर लेर ऑफ वट जमींदारी ठीक है जो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएटरी राइट जमींदार का जो बीच में रोल था बेसिकली बिटवीन स्टेट एंड कल्टिवेटर सिर्फ वो रिमूव हुआ था जो टेनेंसी सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग था वो अभी भी चल रहा था राइट right? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की देट इज टेरेंसी अबॉलिशन टेरेंट आर दो टेक लैंड ऑन रेंट राइट आपको पता है कि वो लोग Land को rent पे लेते हैं एंड दे डू इज वहां पर ही कुछ महीनों के लिए क्रॉप उगाएंगे शेयर करते हैं टैलेंट्स वर एक्सप्लोर लैंड लॉर्ड लाइक इफ लैंड प्रोडक्टिविटी देन वॉन्टेड बैक सो गवर्नमेंट मेड लाइव ऑफ टैलेंट सिक्योर बाय बेसिकली क्या होता था कई बार लाइक like, किसी लैंड लॉर्ड ने एक टैलेंट को लैंड दे दी और अब लैंड लॉर्ड को लगता है कि नहीं इस लैंड में प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी हो रही है तो कभी भी वो बीच में से उसे लैंड मांग लेता था अभी सिर्फ दो महीने हुए हैं एंड उसे लग रहा है कि नहीं इस पे तो काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो टेनेंट को बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे अपनी लैंड अब वापस चाहिए तो इसे टेनेंट को बहुत यू नो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और एक हम बोल सकते हैं कि ही वॉज वेरी अनसिक्योर राइट सो कुछ रिफॉर्म्स uh, आए थे यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स

प्रॉफिट वॉज गिवन टू लैंड लॉर्ड और अब यह था कि जो रेंट होगा वो भी प्रॉपर होगा कोई ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से जो भी अमाउंट डिसाइड है वो लैंड लॉर्ड ने रख दिया और जो भी शेयर होगा लास्ट में राइट वो भी पहले ही डिसाइड होगा मतलब प्रॉफिट जो भी उन्होंने आपस में शेयर करना है ऐसे नहीं होना चाहिए कि टैलेंट को लॉस हो राइट सो so, ये चीजें पहले ही रेगुलेशन ऑफ रेंट में कंसिडर की गई थी अब इसकी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी राइट right? शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी क्या क्या इसके डिमेरिट्स थे इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली अब गवर्नमेंट ने तो लॉज बना दिए राइट रिफॉर्म्स ले आए बट क्या ये इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर लेवल पे हो रही है बट वो एक्चुअल में नहीं था राइट right? सो फोर टेनेंसी अबॉल्यूशन ने वर्क तो किया बट इस तरीके से नहीं किया कि प्रॉपर जस्टिस मिल सके इन टेनेंट्स को या फिर उनके साथ बिल्कुल हर चीज एक प्रॉपर वे में हो नेक्स्ट आते हैं हम लैंड सीलिंग एक्ट के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट लैंड सीलिंग एक्ट एंड आपको पता होना चाहिए द लॉज इम्पोज एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय पर्टिकुलर फैमिली द सीलिंग वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी एंड अदर प्रोडक्टिव लैंड लो सीलिंग अनप्रोडक्टिव लैंड हाई सीलिंग जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू सपोज एक ये लैंड है और इस लैंड में काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है राइट तो जो अपर लिमिट होगी मतलब जो लैंड सीलिंग होगी वो इसमें कम होगी राइट मतलब कम लैंड दी जाएगी किसको उस लैंड ओनर को और मान लो यहाँ पर एक और लैंड है ठीक है एंड ये बहुत अनप्रोडक्टिव है इसमें कुछ ज्यादा नहीं मतलब क्रॉप उगती है राइट right? इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होती है तो इसकी लैंड सीलिंग ज़्यादा होगी मतलब कि जो उसका ओनर है लैंड का उसको ज़्यादा लैंड मिल सकती है राइट हाई लैंड सीलिंग है इसमें सो so, देर हम बोल सकते हैं कि डिपेंड करता था अगर आप पंजाब लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करो तो वहां ज़्यादा यू नो प्रोडक्टिव लैंड है तो वहां पर लो सीलिंग्स होगी फाइन मतलब कि जो लैंड ओनर है उनको बहुत कम कम लैंड मिलेगी बहुत लो अमाउंट में उनकी आ, हिस्से में लैंड आएगी और जहां आप देखोगे कि कुछ बंजर इलाके हैं राइट तो वहां पर जो लैंड सीलिंग्स थी वो हाई थी क्योंकि वहां पर जो लैंड ओनर्स थे उनके हाथ में ज्यादा लैंड थी क्योंकि उस पर ग्रोथ बहुत कम होती थी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम थी राइट तो ये वेरी करता था रीजन टू रीजन भी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजेशन ऑफ सरप्लस लैंड हेल्ड बाई ईच हाउस होल्ड एंड रिडिस्ट्रीब्यूट इट टू पुअर एंड लोअर कास्ट और इसमें क्या था गवर्नमेंट को चेक करना था हर एक विलेज में जाके हर एक गांव में जाके एक प्रॉपर चेक होगा इन्वेस्टिगेशन होगी राइट right? एंड देखा जाएगा किसके पास कितनी लैंड है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड सर्टन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूट की गई लैंड सभी को राइट एंड ताकि जितना भी लैंड uh, रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो किसी को कम ज्यादा में ना मिले एंड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो लैंड सीलिंग के अंदर रखा गया है उसके हिसाब से ही सबको प्रॉपर मिले फाइन अब इसकी भी कुछ थी शॉर्टकमिंगली right? क्या क्या थी? The states, to क्या थी इन मोस्ट ऑफ द प्रूव टू बी टूथलेस बेसिकली हुआ कि बहुत सारी स्टेट्स में इनको इंप्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं किया गया देर आर मेनी लूप होल्स एंड अदर स्ट्रेटजीज थ्रू विच मोस्ट लैंड ओनर्स वर एबल टू एस्केप फ्रॉम हैविंग सरप्लस लैंड

और ये पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि वो हर एक गांव में जाए और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करे राइट इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेनामी ट्रांसफर्स मोस्ट लैंड ओनर्स मैनेज टू डिवाइड द लैंड अमंग रिलेटिव सर्वेंट्स सो इट इज कॉल्ड एज बेनामी ट्रांसफर विच अलाउड देम टू कीप रिकॉर्ड एंड कंट्रोल ऑफ की लैंड बेसिकली क्या किया जब यू नो लैंड सेल होती है तो क्या करते हैं कुछ फार्मर्स सपोज जैसे ये लैंड है ये एक फार्मर के नाम पे है अब जो ये लैंड बची यहाँ पर तो इसको अपने वाइफ के नाम पे रिलेटिव के नाम पे वो सेल करेंगे या फिर उसका यू you नो know, जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके नाम पे होगी फैमिली मेम्बर के नाम पे या फिर किसी रिलेटिव के नाम पे जो नियर एंड डियर वन होगा इन शॉर्ट लैंड उसी की है बट नाम किसी और के चढ़ी है तो वो होता है बेनामी ट्रांसफर मतलब कि टू डिवाइड द लैंड अमंग रिलेटिव सर्वेंट्स राइट एंड इन शॉर्ट उसको ही प्रोडक्शन जो भी जितनी भी उसमें प्रोडक्शन हो रही है जितना भी उसका सरप्लस निकल रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो उसी मालिक को आ रहा है बट नाम किसी के और की है तो उसको बोलते हैं बेनामी ट्रांसफर ठीक है बेनाम इन सम प्लेसेस सम रिच फार्मर्स एक्चुअली डाइवोर्स्ड देयर वाइफ्स इन पेपर

एक सेपरेट शेयर मिले एक अनमेरिड वीमेन को इसीलिए उन्होंने क्या किया डायवोर्स दे दिया सिर्फ पेपर के ऊपर रहे रहे वो साथ रहे थे तो ऐसी माल प्रैक्टिस की एंड इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये लैंड इतनी सक्सेसफुल नहीं रही नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड देर वियरली एनी रिकॉर्ड्स लेटर ऑन दे वर रजिस्टर्ड एंड बेसिकली ब्रिटिश पीरियड में कोई भी लैंड रिकॉर्ड नहीं था सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली सारी चीजों को रजिस्टर्ड किया गया मेंटेनेंस हुई प्रॉपर एंड कंप्यूटराइज किया गया कंप्यूटर में उनको रिकॉर्ड किया गया फाइन एंड तभी हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर अब जितनी भी लैंड किसके पास है उसकी रजिस्ट्री राइट right, एंड किसके नाम है वो एवरीथिंग पूरा ऑफिशियल वर्क पेपर वर्क अब कंप्यूटराइज हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि अब कोई भी ऐसी मॉल प्रैक्टिस का होना अब नहीं हो पाता है ठीक है क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटल हो चुकी है अब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है नेक्स्ट इज कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग स्मॉल पीसिस ऑफ लैंड टूगेदर एंड इट टू मेक फार्म साइज फार्मल फॉर एग्रीकल्चर बेसिकली कॉन्सोलीट का मतलब होता है यू यू नो नो टू टू थिंग्स वन बी लाइक एक ही उसका हिस्सा बना देना सबको जोड़ के राइट सो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड को बनाने के लिए साई लैंड को कंसोलिडेट किया तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन अब जो टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन ये नया टॉपिक नहीं है हम इसको जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में ग्रीन uh, रेवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा सो बेसिकली इट वॉज स्टार्टेड अ स्ट्रेटी अडोप्टेड बाई गवर्नमेंट थ्रू अ प्रोग्राम फोकसिंग ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है मतलब कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकली एम्पावरेश करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए राइट न्यू टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन नाइनटीन सिक्सटीज़ एंड सेवनटीज़ सो जो आपको यहाँ पर ये पीरियड बताया है नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवनटीज़ इसके बीच में ही नई टेक्नोलॉजी आई एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक बोन आया है हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई एंड यही स्ट्रेटी अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने इट वॉज़ फंडेड बाई इंटरनेशनल एजेंसीज इट्स कॉम्पोनेट्स आर एच वाई वी सीड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाईजर्स एंड बेटर इरीगेशन सो इंटरनेशनल एजेंसीज थी उन्होंने इसको फंड किया था एंड इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच वाई वी सीड्स हो गए पेस्टिसाइडस हो गए फर्टिलाइजर्स हो गए बेटर इरीगेशन टेक्नोलॉजी इक्वमेंट्स का यूज़ होना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्लूडेड थी इट वॉज स्टार्टड इन स्टेट है प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम बिकॉज एच वाई वी सीड्स रिक्वायर प्रॉपर इरीगेशन सो इसको उन्ही रीजन्स में स्टार्ट किया गया था जहाँ पर प्रॉपर इरीगेशन हो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वहाँ की सॉयल बहुत ही फर्टाइल है तो वहाँ पर ये चीज़ कामयाब हो सकती थी अगर हम ऐसी जगहों की बात करें जहाँ पर बंजर इलाके बंजर जमीन है तो वहाँ पर ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहती टारगेटेड क्रॉप्स की अगर आप बात करें तो व्हीट एंड राइस यू नो बहुत हाई क्वान्टिटी में ग्रो किया गया इफेक्टिव ओनली इन स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश ठीक है तो इन्हीं स्टेट्स में ये चीज़ इफेक्टिव रही थी उसके बाद अगर हम एडवांटेजेस के ऊपर आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस में सबसे पहली है हैल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एक पैच ऑफ लैंड है वहां पर मैनअली पहले काम हो रहा है कोई टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस की गई है एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है बट ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जब मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुई तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई एंड इनडायरेक्टली हमारे को मतलब हमारी कंट्री को फार्मर्स को इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला न्यू मैथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वर इंट्रोड्यूस्ड बहुत सारे ऐसे नए मैथड्स एग्रीकल्चर के जो इंट्रोड्यूस किए गए उसके बाद इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन अब इंडिया को कहीं से भी हम बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता था स्टारवेशन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी क्योंकि पहले फेमाइंस इजिली आ जाते थे राइट दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता था बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम बोल सकते हैं कि हम सेल्फ सफिशेंट बन चुके थे फूड प्रोडक्शन में एंड हम बोल सकते हैं कि उसके बाद हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था डिफ़रेंट डिफरेंट क्रॉप्स जी आर ग्रीन रेवोल्यूशन इज मेन अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड मतलब कि जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इसमें उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लोगों के लिए भी उन साइंटिस्ट के लिए भी एंड गवर्नमेंट के लिए भी इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले लाइक like, उस टाइम में इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था बिटवीन नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज राइट देखो हर चीज की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती है तो सिमिलरली यहाँ पर हम अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस थी ग्रीन रेवोल्यूशन की फर्स्ट ओनली लार्ज फार्मर्स वर बेनिफिटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन ओनली लार्ज एंड मीडियम लैंड ओनर्स वर बेनिफिटेड बिकॉज ओनली दे वर एबल टू बाय न्यू टेक्नोलॉजी सीड्स एक्सेट्रा ऑन द अदर हैंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऐसे फार्मर्स जो बहुत ही प्रॉस्परस एंड रिच थे जिनके पास काफ़ी अमाउंट ऑफ लैंड थी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी सिर्फ वही उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने ही सीड्स ख़रीदे टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया मशीन्स इंट्रोड्यूस की अपने लैंड्स में बट अगर हम बात करें जो बेचारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाए उनके पास बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ मनी नहीं थी कि वो इसको खरीद सकें अब यहाँ पर एक टर्म है सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है जोग्राफी में भी पढ़ा होगा अगर आपके पास जोग्राफी है या फिर आपने जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है जब एक किसान सिर्फ अपने लिए ग्रो करता है ठीक है और वो उससे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस मतलब अपने को फीड करने के लिए अपनी फैमिली को फीड करने के लिए ठीक है उनका पालन पोषण करने के लिए ताकि उनको दो वक्त की रोटी मिल जाए तो वो होती है सबसिस्टेंस ठीक है सो बेसिकली इससे कोई भी एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं निकलता है एंड दिस इज नॉट एज मच एज प्रॉफिटेबल सेकेंड यहाँ पर है इंक्रीज इन इक्वालिटी एंड डिफ्रेंसीशन ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज इन इक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स बिकॉज रिच फार्मर्स वर एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन एज ए परचेज न्यू टेक्नोलॉजी सीड्स दैट इंक्रीज प्रोडक्शन रिच फार्मर्स बिकेम मोर रिच एंड पुअर रिमेन पुअर मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक गैप आया जो रिच लोग थे जो रिच पीपल थे वो रिच बनते गए और पुअर और पुअर बनते गए राइट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई क्योंकि रिच पीपल तो अफोर्ड कर पा रहे थे सही टेक्नोलॉजी एंड सीड सब कुछ बट जो पुअर थे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे तो जब रिच अफोर्ड कर पा रहे हैं उनकी प्रोडक्शन उनकी लैंड में जो प्रोडक्शन है हर चीज अच्छे से जा रही है तो वो और रिच बन रहे हैं और जब पुअर बेचारे जो मैनुअली काम करते थे अब वो उनकी जो इकोनॉमी थी सबसिस्टेंस थी वो भी बिल्कुल लो लेवल पे आ गई राइट थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट यस ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट विद द एडवेंट ऑफ न्यू मशीनरी लाइक टेलर थ्रेशर ट्रैक्टर राइट मेनी पीपल गॉट रिप्लेस्ड बाय मशीन्स जॉब्स एंड माइग्रेटेड क्या होता है बट अब right? uh, uh, वही मैनुअल वर्क इसमें कन्वर्ट हो गया मेकेशन में मशीनरी बेस्ड में अब वहां पर थ्रेशर टिलर्स ट्रैक्टर बड़ी बड़ी मशीन इंट्रोड्यूस होगी एंड उससे क्या हुआ कि जब सारा काम अब मशीन से होगा राइट right. तो अब जो लोग थे जो बेचारे वहां पर लेबर क्लास थी वो क्या होगी उनको वहां से निकाल दिया गया एंड उनको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ मशीन के साथ एंड फाइनली दे लॉस्ट देयर जॉब्स एंड उनको माइग्रेट करना पड़ा तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर हम रेफरेंस में बात करें नेक्स्ट इज रीजनल इनइॉलिटीज लिमिटेड स्टेट्स ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड ओनली इन सम स्टेट्स एंड वेयर इट इम्प्लीमेंटेड

क्योंकि वहां की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी बट अदर स्टेट्स में जहां पर लैंड फर्टाइल नहीं थी वहां पर इसने वर्क नहीं किया एंड हम बोल सकते हैं कि उन स्टेट्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई सो so, सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही डेवलपमेंट हुई है और और स्टेट्स को इस चीज का बेनिफिट नहीं मिल पाया सो so, यहां पर रीजनल इनक्वालिटीज भी ग्रो हुई नेक्स्ट इज लिमिटेड क्रॉप्स ग्रीन रेवल्यूशन फोकस्ड ऑन लिमिटेड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस सर्टन अदर क्रॉप्स लाइक कॉटन जूट हाईली इफेक्टेड अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये लाइक वीट एंड राइस उसकी सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन हो रही थी और जो अदर क्रॉप थी लाइक कॉटन जूट उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ा उनकी प्रोडक्शन पे एक स्टेगनेंसी आ गई वो उनकी प्रोडक्शन थोड़ी लो स्केल पे होगी सो so, हम बोल सकते हैं कि लिमिटेड क्रॉप्स को ही प्रमोट किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने लास्ट

फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एच वाईवी सीड्स ये आपकी प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज कर देंगे स्लो एंड ग्रेजुअली वो प्रोडक्शन कम होती जाएगी क्यों क्योंकि जो आपकी लैंड है वो क्या हो रही है डिग्रेड हो रही है उसकी जो क्वालिटी है की वो क्या हो रही है लो हो रही है सो so, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है एंड हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लैंड फर्टाइल नहीं रहती है जो ट्रेडिशनल सीड्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं अब हाइब्रिड सीड्स आ चुके हैं ब्रीडिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की तो इससे क्या हो रहा है कि इफेक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर भी एंड हम बोल सकते हैं कि जो मैनुअल प्रैक्टिस थी वो भी डिमिनिश हो रही है अब बहुत कम फार्मर्स होंगे जो कि मैनुअली काम करते हैं प्रिवेटिव एंड ट्रेडिशनल वे में कैरी फॉरवर्ड करते हैं एग्रीकल्चर को बहुत कम मिलेंगे आपको अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह सिर्फ प्रॉफिट एक्यूमुलेशन के ऊपर काम किया जाता है कि मास प्रोडक्शन हो एंड जितना से जितना हो सके क्रॉप को सेल आउट करना है एंड हमेशा प्रॉफिट ऑरियंटेड सोचा जा रहा है सो so, ट्रेडिशनल जो वैरायटी थी सीड्स की वो भी अब खत्म हो चुकी है बट जो मेन फोकस है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर अगर ज्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज किए जाएंगे तो लैंड कुछ समय बाद क्या हो जाएगी डिग्रेड हो जाएगी जो अगेन एक ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज है सो so, ये हुई बात ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस की आपको इसका पूरा अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये आता है सो so नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जरूर देखिएगा लास्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट एंड उसमें काफ़ी सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सो गो एंड वॉच इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर द टाइम कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स शेयर देम एज मच एज यू कैन अगर आपको नोट्स चाहिए फील फ्री टू आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो देअ फोर कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट